आदरणीय मंच समारणीय सदन सभी को नमन वंदन। षड ऋतुओं में सुरम्य वसंत ऋतु जब आती है प्रकृति सहित जन मन सभी प्रफुल्लित हो जाते हैं, किंतु कुछ लोगों के जीवन में जब अनुकूलता आती है तभी वसंत की आहट आती है। इन्हीं भावों को अपनी कविता में पिरोने का मैंने एक प्रयास किया है। सबका अपना अपना वसंत। पिता का बसंत बच्चों की खुशी में झलकता है, पिता का बसंत बच्चों की खुशी में झलकता है। सहकर अनेकों दर्द माँ का बसंत आंचल में पलता है। जब कोई मन भावन मिल जाए कहने को कोई बात न बाकी रह जाए, कहने को कोई बात न बाकी रह जाए, तब दिन में भी प्रेमियों की आंखों में बसंती चांद मुस्कुराए। जब पिता का प्यार और माँ का दुलार एक अनाथ को मिल जाए तब कोई आश्चर्य की बात नहीं कभी भी वसंत दस्तक दे जाए, तब कोई आश्चर्य की बात नहीं कभी भी वसंत दस्तक दे जाए। निर्धन भी जब कभी धन पा जाए तब बेमौसम भी उसके जीवन में बसंत खिलखिला जाए। जब दुश्मन करता देश की सीमा पर वार तब सैनिक भी उस पर करता कड़ा प्रहार। जब विजयी हो वीर तिरंगा लहराता है तब उसके जीवन में बसंत आता है। जब प्रकृति और पर्यावरण के महत्व को सभी जन समझ जाएं, मानवता को समझा पाए तब संपूर्ण धरा बसंती हो जाए। धन्यवाद। पाषाण हो जाने की जब तक न आजमाओ मुझे, पाषाण हो जाने की जब तक न आजमाओ मुझे, घर में अहिल्या हो गई तो तुम्हें राम होने में सदियां लग जाएंगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं नमन करती हूँ मंच को और स्वयं को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इस मंच से मुझे अपनी रचना पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरी रचना का शीर्षक है चित्कार। यह प्रयास है आवाज देने का उन लड़कियों की व्यथा को जो घरेलू यौन हिंसा की शिकार होती हैं, बाजारों में बेच दी जाती हैं और वहां उनकी बहुत दुर्दशा होती है। तब वे उनकी चाह होती है कि वह किसी को पुकार लें जो उनकी मदद करें। तो मेरी रचना है चित्कार, सुनिएगा। बंद दरवाजों के पीछे से आती सिसकियां चित्कार कर रही थी, एक मासूम सी कली क्यों आज फिर कुचली जा रही थी। बंद दरवाजों के पीछे से आती सिसकियां चित्कार कर रही थी क्यों आज फिर एक मासूम कली कुचली जा रही थी। दरवाजे से सटा एक मजबूर साया बन वो बेबसी पर अपनी रो रही थी। बंद दरवाजे के पीछे से आती सिसकियां चित्कार कर रही थी। हक था जिसका खुले आसमां पर वह क्यों आज सायों से भी घबरा रही थी। एक मासूम सी कली क्यों आज फिर कुचली जा रही थी। क्यों ढकेलते हो मुझे अंधेरों में सवाल यह हो कुछ अपनों से ही पूछ रही थी। बंद दरवाजों के पीछे से आती सिसकियां चित्कार कर रही थी। अंधे गूंगे बहरों की बस्ती में न जाने किसे वो मदद को अपनी पुकार रही थी। एक मासूम सी कली क्यों आज फिर कुचली जा रही थी।
तार तार वजूद अपना कुचले हुए जज्बात, तार तार वजूद अपना कुचले हुए जज्बात, समेट कर उन्हें वो, समेट कर उन्हें वो चाह कर भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। बंद दरवाजों के पीछे से आती सिसकियां चित्कार कर रही थी। लाशों में तब्दील उस अंधियारे शमशान में, लाशों में तब्दील उस अंधियारे शमशान में अपनी ही लाश का बोझ उठा रही थी। एक मासूम सी कली क्यों आज फिर कुचली जा रही थी। बंद दरवाजों के पीछे से आती सिसकियां चित्कार कर रही थी, चित्कार कर रही थी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।